वंदे मातरम दोस्तों, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और बड़ी खबर। लेकिन ये बड़ी ही सैड न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि चारधाम यात्रा पर एक बार फिर से रोक लग चुकी है। इसकी वजह है सिर्फ वहाँ पर हो रही 3 दिन से जो लगातार बारिश हो रही है उत्तराखंड में, उसने उत्तराखंड के हाल बेहाल कर दिए हैं। नैनीताल देखो या उत्तराखंड में हल्द्वानी देखें, कहीं भी हम देखें, उत्तराखंड में हाल बेहाल हैं बारिश की वजह से। और वहीं उसका असर सीधा सीधा पड़ गया है चारधाम यात्रा पर। चारधाम यात्रा को एक बार फिर से रोक दिया गया है, क्योंकि भारी बारिश के चलते हुए यमुनोत्री गंगोत्री में काफ़ी यात्री फंस चुके हैं और नदियाँ अब अपने असली वेग में, असली रूप में आ गई हैं, उफान पर आ गई हैं। दोस्तों, खबर है कि अलकनंदा नदी अब जो उसका नॉर्मल लेवल है उससे भी ऊपर बह रही है, यानी कि खतरे के निशान से ऊपर बह रही है अलकनंदा नदी। और वहाँ पर जो भी जितने भी किनारे पर घाट हैं अलकनंदा नदी के, वो भी उस पानी के अंदर डूब चुके हैं, यानी कि अगल बगल के जो किनारे हैं वो भी डूब चुके हैं और उनका जो लेवल है पानी का हाई हो चुका है। साथ ही दोस्तों, एकदम से हरिद्वार में भी गंगा जी का लेवल हाई हो चुका है, वहाँ पर भी बहुत ही तेज़ गति से पानी बह रहा है। और अलकनंदा नदी अपने साथ पहाड़ों पर से काफ़ी मलबा लेकर आ रही है, उसके अंदर काफ़ी पेड़ पौधे बह बह के आ रहे हैं। और इसी तरह दोस्तों, कहीं जगह लैंडस्लाइड्स भी हो गए हैं फिर से और रास्ते बाधित हो गए हैं। ये सब देखते हुए चारधाम यात्रा पर एक बार फिर से रोक लग चुकी है। सुबह के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मंदाकिनी नदी का लेवल अभी खतरे के निशान पर नहीं बह रहा है, लेकिन दोस्तों आने वाले समय में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हाल फिलहाल देखा जाए तो उत्तराखंड के हालात बहुत ही बिगड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उत्तराखंड को जितनी हो सके सुविधा देने का ऐलान किया है। नैनीताल हो या उत्तराखंड में हल्द्वानी हो, हल्द्वानी में भी नदी इतने वेग से बह रही है, नदियाँ इतने उफान पर हैं कि जंगली जानवर भी उनसे अछूते नहीं हुए। दोस्तों, जो हल्द्वानी में नदी है वो इतने उफान पर थी कि एक हाथी भी उसकी गिरफ्त में आ चुका है, यानी कि उस हाथी के चारों तरफ पानी था और वो हाथी बीच में था। हालांकि वन विभाग ने जब वीडियो वायरल हुआ तो उसे बचा लिया गया है, ऐसी सूचना मिल रही है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको फाइनली यही कहना चाहूँगी कि जो भी अभी यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं वो कृपया करके ना जाएं, क्योंकि इस समय हालात बहुत ही गंभीर हैं। 3-4 दिन से जो लगातार बारिश हुई है उसने नैनीताल की झील का, नैनी झील का लेवल इतना हाई हो गया कि नैनी झील फुल हो करके बाहर सड़कों पर पानी आ गया, यानी कि मॉल रोड वगैरह सब डूब चुके हैं। तो आप सभी भक्तों से मेरी ये ही रिक्वेस्ट है कि अभी हाल फिलहाल मौसम को मद्देनज़र रखते हुए अपनी यात्रा को टाल दें। हालाँकि सभी को पता है कि 6 नवम्बर को कपाट बंद हो जाएंगे सभी धामों के, 6 नवंबर तक फाइनली कपाट बंद हो जाएंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों, जीवन है तो बहुत कुछ है, हम अगले साल भी यात्रा कर सकते हैं। हालांकि जो लोग वहां जा चुके हैं, फंस चुके हैं, वो भी मैं चाहती हूं कि सुरक्षित सभी अपने स्थानों पर वापस आ जाएं, लेकिन जो नहीं गए हैं वो मौसम की अपडेट पर नज़र रखते रहें और जाने में जल्दबाजी ना करें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और यदि आप चैनल पर पहले से हैं तो चैनल को सहयोग प्रदान करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर।